इस प्रकार से बंगाल में चल रहा है, जो प्रकार का राजनीति चल रहा है, क्या लगता है कि बंगाल किस दिशा में चल रहा है? देखिए, बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट हुआ है और हमारे बंगाल में इस तरह की इंसिडेंट कभी हुआ नहीं है। ऐसे तो आपने देखा कि महिला लोगों के ऊपर बहुत सारी इस तरह की घटना घटा है, लेकिन एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जिस तरह से उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर किया गया है, उसके बाद उनको मार दिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सेकेंड पर जो सबसे बड़ी बात है, घटना के बाद सरकार की जो भूमिका था वो बहुत डाउटफुल है। क्यों उन्होंने इतना टाइम लिया पुलिस एक्शन शुरू करने में? दूसरा बात ये आया कि जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कर दिया। तीसरा बात आया, जल्दी जल्दी उसका दाह कर दिया। लोगों में एक डाउट क्रिएट हुआ कि सरकार कुछ ऐसे कुछ चीज है जो जिसको वो हाइड करना चाहती है। ऐसे क्या लगता है कि क्या हाइड करना चाहता है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर आपको अगर ऐसा लग रहा अनुभव, देखिए बहुत सारे चीज आया है। एक तो उधर बहुत सारे आरजी कौर को सब लोग जानते हैं कि आरजी कौर से हमारे पश्चिम बंगाल की हेल्थ सिस्टम रन किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे रैकेट के बारे में आया है। वो मेडिसिन के हो, कई कई बोलता है कि डेड बॉडी में भी बहुत ये है। दूसरा तीसरा बात है, उधर ऐसा है कि क्वेश्चन पेपर दिया जाता है स्टूडेंट्स लोगों को, कोई पीजी का एडमिशन के लिए बहुत सारे घपलेबाजी का बात सुनने में आया है। ये कोई क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें पैसा मिलता है और इस रैकेट में लोग का मानना है कि संदीप घोष जो एक्स प्रिंसिपल है वो उनका हाथ है और ये रैकेट उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इस रैकेट के बारे में शायद पता चल गया था, इसलिए इसके लड़की के ऊपर शायद वो नी डाउन नहीं करना चाहता था, तो इसके ऊपर उसका हमला किया गया है, और दूसरा कोई रीजन हो सकता है जो सीबीआई के सामने। पर इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है ये सब चीज करने में? क्योंकि एक तो आज ही करके वो चल रहा है, तो इसमें क्या प्रॉफिटेबल होगा? देखिए, ये प्रॉफिट की बात नहीं है। इसमें आप कोई किसी तरह से कोई ऐसा घटना के शरीक हो गया या जान गया कि वो सामने आ जाएगा तो उनका फेस लॉस होने का संभावना था, तो उसको हटा दो, ऐसा भी हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार को ही तो ये बोलना पड़ेगा क्यों ये सब जो मैंने बोला, जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम, जल्दी जल्दी उनका दाह किया गया, लोगों में रोष था, फैमिली को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया है, कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें सरकार जिम्मेदारी नहीं है। तो सरकार को तो ये नहीं बनता है कि उसको आप हाइट करो, सरकार को तो ये बनता है कि उसमें जो जुड़ा हुआ लोग है उसको पकड़ो। लेकिन इधर जो दिखा जा रहा है कि सरकार पहले इसको सुइसाइड बोल दिया। क्यों बोला सुइसाइड, जो हुआ नहीं है? सबने पता चला है कि डेड बॉडी जिस तरह से उधर था, सभी को पता चला था कि इसके ऊपर टॉर्चर किया गया है, उसके बाद उनको मार दिया गया है। तो सरकार ने 3 घंटा पहले जो देखा है, उसके बाद 3-3.5 घंटा के बाद फैमिली को बताया कि इसको सुइसाइड किया है लड़की। फिर आने के बाद जब उन लोगों को पता, वो लोग बोला है कि सुइसाइड नहीं है, तब से पुलिस में थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू किया। तो ये 3-4 घंटा किस चीज को उन्होंने छुपाने की कोशिश किया, इस बारे में तो लोगों में इतना रोष है सरकार के ऊपर। और साथ में और एक बात है, शायद आप भी मेरे से सहमत होगा कि हमारे कामधुनी, उसमें क्या बोला था सीएम मैम ने, बोला था फांसी और मृत्युदंड एक साथ में दूंगी। आज तक उसका कुछ हुआ? जो किया था वो बाहर घूम रहा है, उसके घर के सामने पुलिस बैठा दिया है कि लोग आके उनके ऊपर ना चढ़ जाए। पार्क स्ट्रीट का बोला था कस्टमर और क्लाइंट के अंदर उनका समस्या है। हासकाली में बोला तो वो लड़के तो प्यार करता था। कालियागंज में बोला वो उसका तो सर्दी का सी हो गया था। तो जो एक महिला होके इतना इनसेंसिटिव हमारा चीफ मिनिस्टर है, कई घटना घटता है और उसको लेके उनका टिप्पणी आप देख लीजिए, तो उसके ऊपर तो ऐसे लोगों का रोष था और इस बार इस रोष सामने आ गया। और मैं ये जायज समझता हूं कि लोगों को सामने आना है, नहीं तो आज जो दूसरों के घर में हो रहा है
वो तो कल हमारे घर में भी हो सकता है। तो इसलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी था और इसमें हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द, देखो सभी बोल रहे हैं कि एक नहीं और दूसरे सारे आदमी थे उनको थोड़ा छुपाने के लिए ये सब काम किया गया। सीबीआई के ऊपर ये जिम्मेदारी है उन लोगों को बाहर निकालना, और उसमें सीबीआई में बहुत सारे तकलीफें आ रही है। आपने देखा होगा जो क्राइम स्पॉट है उसको डिस्टॉर्टेड किया गया है, टेम्पर किया गया है, आरजी कोर में हमला किया गया है। ये सब क्यों किया गया है? ये सब इसके पीछे कोई ऐसा बंदा है जिसका पहुंच एकदम ऊपर तक है, तो ये फंस जाएगा तो ऊपर फंस जाएगा। तो इसीलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा है ऊपर से जुड़ा हुआ उसको बचाने के लिए, नहीं तो वो पकड़ में आ जाएगा तो वो बोल देगा कि ऊपर का कौन आदमी इसका हमारे साथ लिंक्ड अप है। तो इसके डर से ऐसा हो सकता है ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब कि आपका कहना है कि एकदम पश्चिम बंगाल सरकार, जैसे हमारे भारत, पूरे भारत में एक महिला सीएम है, पूरी तरह विफल है। विफल वो तो क्या मतलब बोले, हमारा बंगाल को खत्म कर दिया। इतना खराब सीएम आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं होगा। इतना खराब है, इतना खराब सीएम हम लोगों ने कभी, जैसे कि खराब में क्या क्या आपको लगता है उसमें खराब है? एक तो आपने बोला कि वो तो देखिए वो हाँ, पहले क्या लिखता था वो, उसके नीचे लिखा जाता था सत्यता प्रतीक इज द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, और आज नहीं लिखा जाता है। तो क्यों नहीं लिखा जाता? तो पहले लोग सोचते थे अरे ये तो सूती का साड़ी पहनता है, हवाई चट्टी पहनता है, और आज लोग जानता है कि कैसे उनका और उनका फैमिली कितना पैसा कमाए। एक नहीं नहीं पैसा का तो पॉलिटिकल पार्टी में तो सारा कोई, जितना भी बीजेपी का हम देखें तो उनका भी पैसा तो बहुत ज्यादा डबल हो रहा है, उसके अलावा क्या कमी विफल लगता है आपको? नहीं, एक तो पहली बात है, देखिए पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन आप झूठे बात बोल के मैं ऑनेस्टी का सिंबल हूँ और पैसा लूटते हो, आप साधु होके असाधु काम करते हो, तो वो कभी लोग माफ नहीं करेंगे। एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बहुत सारे कमियां आपने देखा है कि कैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिसाइज किया गया है, चाहे वो बहुत सारी चीज में, चाहे आप एक साधारण आदमी हो, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारे प्रेशर रहता है कि सरकार के साथ रहो नहीं तो आपको आज के तारीख में देखो बहुत सारे स्कूल के बच्चे और टीचर लोग इस आरजी कौर के जस्टिस के लिए उन्होंने प्रोसेशन किया, और वो लोग स्कूल और स्कूल के बच्चे लोगों को चिट्ठी भेज रहे हैं आपने क्यों प्रोटेस्ट किया। दूसरा, तीसरा बात यह है, देखो एडुकेशन में, शिक्षा में जो करप्शन हुआ है, जो आपने देखा होगा चाकरी दुर्नीति जो हुआ है, तो वो एक बात हुआ। तीसरा, चौथा आप देख लीजिए हमारे एडुकेशन सिस्टम, पुलिस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये तीनों बिगड़ गया। अब इतने सारे हमारे यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही नहीं है। हमारा नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, एफओ नहीं है, चल रहा है, ये कोई तरीका हुआ? आप हेल्थ के देख लीजिए, हमारा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, अब जाइए, मैं कितना बोल के एक न्यूरोसर्जन लाया, 3 महीना में चला गया। आपका, आप जिधर रहते हो अलीपुरद्वार में एक यूनिवर्सिटी बना है, उसका घर भी नहीं है, वो बोलता है यूनिवर्सिटी हो गया। आपका दार्जिलिंग में हिल यूनिवर्सिटी है, उसमें ऑनलाइन क्लास होता था, एक वाइस चांसलर और एक रजिस्टर जो कलकत्ता में बैठा है वो बोलता था हिल यूनिवर्सिटी बना दिया। तो झूठे बात बोलते बोलते लोगों में उनके खिलाफ बहुत सारे रोष उनके खिलाफ था, उस रोष का आज सामने आ गया। पर अगर हम देखें, आप सिलगुड़ी में आप देख रहे हैं, पर सिलगुड़ी में भी एक घटना हुआ था, ये आपको बताया। आप लोग गए, पर अभी तक वो जस्टिस नहीं मिल रहा है, अभी तक वो लोग बारम्बार उसके खिलाफ ना आवाज उठा रहे, माँ बोल रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ ना उस बंदे को। बंदे ने भी कबूल किया था, हाँ मैंने गलती किया बोल के, तब भी नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है क्या कमियां हो रहा है इसमें? देखिए सिलगुड़ी में दो इंसिडेंट, एक तो माटीगारा में हुआ है और एक सिलगुड़ी में थोड़ी दिन पहले हुआ है, वो भी एक स्कूल की छात्री है, एक क्लास 9 में, एक क्लास 10 में। अच्छा, आप इन लोगों को सजा दिलाने का काम कौन करेगा? पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करना पड़ता है, तो आज तक क्यों इस बारे में रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया?
और मैं चाहता हूँ मैं उस माटीगारा के जो फैमिली है उनके साथ भी मैं टच में हूँ, और मैं चाहता हूँ सिर्फ आरजी कौर क्यों, सभी कामधुनी से माटीगारा तक सभी जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, ये तो मेरा मांग है। पर हम देखते हैं कि लगातार यहाँ के लोग सिलगुड़ी के जो नॉर्थ बंगाल है ये लगातार बीजेपी के सपोर्ट करते आ रहे हैं ना, और बीजेपी को सपोर्ट करते आने के कारण शायद बंगाल सरकार उस तरीके से इधर नहीं देख रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी मैं, 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 मेरा एक चीज मानना है, आप देख लीजिएगा कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में तृणमूल कहां सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, आप देख लीजिएगा जहां इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है उधर ही तृणमूल स्ट्रांग है, नंबर वन। नंबर टू, वोट फेयरली होने से वो साउथ बंगाल में भी हारे, लेकिन उन लोगों के पास क्रिमिनल्स है, पैसा है और साथ में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर ऐसे लगता है कि तृणमूल का कैडर है, ये विनीत गोयल को आप पकड़ लीजिए, ये राजीव कुमार को पकड़ लीजिए, उनका रोल देख के ऐसा लगता है कि तो तृणमूल का कैडर है। तो इसके खिलाफ में भी लोगों में साउथ बंगाल में भी एक ही तरह की रोष है, लेकिन उस रोष को सामने वो लोग नहीं पर जैसे बोला कि इन्फ्लेशन है ना, जैसे भी बोल रहे इसलिए उनका वोट ज्यादा आ रहा है और जीत रहा है बोल रहे, पर जिस प्रकार से एक बयान भी आया था, बोला था कि बांग्लादेशी 1 करोड़ को हम यहाँ पे लाने देंगे बोल के, इसमें आपका बीजेपी का उन्होंने बोला था शुभेंदु घोष ने, आप कितना तक सहमत है इसमें? हाँ ये ठीक बोल रहा है। देखिए एक बात तो आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, दूसरा बात है हमारे पश्चिम बंगाल या हमारे भारत विश्व में एक ही देश है जिसमें हिंदू मेजोरिटी है, दो वी आर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बार हमारे पड़ोसी देश में हिंदू लोगों के ऊपर इनजस्टिस होता है, सिर्फ उनका धर्म हिंदू है तो जाएगा कहाँ, तो इन्होंने उनके लिए अपना बात रखा था। आप सहमत है कि नहीं ये? नहीं, हमारे तो शंकर घोष सहमत है कि नहीं? शंकर घोष का सहमत होने से ना होने से नहीं फर्क पड़ता है ना, क्योंकि आपको यहाँ का लोगों ने बागडोर देके संभाला है, आपके एमएलए बनाया, आप क्या बोलते हैं कि नहीं? पर्सनल ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करता है। मेरा मानना है, मेरा खुद का ये मानना है कि जो बांग्लादेश का सिटीजन है वो बांग्लादेश तो उनका भी कंट्री है, उनको उधर रहना है और भारत को उनके साथ खड़ा होना है, ये मेरा मानना है। और ये लास्ट, जैसे कि अभी नॉर्थ बंगाल को अलग से करेंगे बोले थे काउंसिल में, या और आप बोले थे अखंडा बंगाल में आप सहमत कर देते, क्या लगता है कि अगर हम नॉर्थ बंगाल को अगर अलग कर देते बीजेपी तो इधर का अलग से डेवलपमेंट होगा, अलग से सब कुछ होगा? देखिए ये मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं एक पार्टी कैडर हूँ, आई डोंट हैव एनी माई पर्सनल ओपिनियन, मैं वही बात बोलता हूँ जो मेरा पार्टी बोलता है, और पार्टी के अंदर मैं अपना बात बोलता हूँ, जो अपना बात होता है वो बाहर के लिए। ठीक है, एक बात आपने क्लियर हो गया। दूसरा बात ये है, सुकांत दा ने एक बात बोला उस इससे पहले भी, मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि नॉर्थ बंगाल का एक अपना पहचान है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के साथ उनका अलग एक रिजेम्बल्स है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप सिक्किम में जाइए, उधर आप देखिएगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बना है, तो हमारा दार्जिलिंग में क्यों नहीं बनेगा, हमारा डुअर्स में क्यों नहीं बनेगा? एक ही जगह है, एक ही तरह है, उधर भी फॉरेस्ट है, हिल है, इधर भी फॉरेस्ट है, हिल है, हिल रिवर है, और वो टेम्परेचर भी एक है, तो उधर बन सकता है तो इधर क्यों नहीं बनेगा? उधर बनता है इसलिए उसमें टैक्स रिजम्पशन है, तो हमारे इधर क्यों नहीं बनेगा? तो ये देना पड़ेगा, ये हम लोगों का मांग है, और इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि नॉर्थ बंगाल पिछड़ा हुआ है, पहाड़ से लेकर एकदम मालदा तक हम लोगों को जो चाहिए वो नहीं है। आपने देखा होगा शायद, गो थ्रू द डाटा, हमारे पश्चिम बंगाल में 100 इंडस्ट्रियल लेबर होने से उसमें 96 इंडस्ट्रियल लेबर है हमारे साउथ बंगाल में, सिर्फ 4 या 6 हमारे नॉर्थ बंगाल में, क्योंकि हमारे इधर इंडस्ट्री नहीं है, 3 इंडस्ट्री छोड़ के तो क्यों नहीं बना इतना दिन से? तो इसके लिए तो सरकार के अपना एक रूट मैप होना चाहिए, वो रूट मैप नहीं है, और इसीलिए मैं हर वक्त ये बोलता रहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल की डेवलपमेंट के लिए सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे कि डेवलपमेंट की बात करें तो आप तो सीपीएम से, ये तो सीपीएम से चलते आ रहे हैं, सीपीएम ने भी डेवलप नहीं किया हुआ है, और शायद वही अभी रिपीट हो रहा है। देखिए
1947 से आज तक जितना होना चाहिए वो हुआ नहीं। ये जो बागडोगरा एयरपोर्ट है उसमें इवनिंग में फ्लाइट नहीं उतरता है, तो जहां फ्लाइट ही नहीं उतरता है वहां कहां इंडस्ट्री बनेगा? तो इसके जिम्मेदार कौन है? तृणमूल है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, सब है। बीजेपी आने के बाद ये नहीं करेगा तो उसको भी जुड़ा जाएगा। पार्टी आप जिस पार्टी से भी बिलोंग करो, सच बोलने में तो आपको कोई रोक टोक नहीं। मैं तो बोलता रहता हूँ कि बीजेपी को एक बार आप परख करके देख लीजिए, बीजेपी नहीं कर पाएगा तो आप उनको भी जिस तरह से सजा दूसरों को दे रहे हो आप उस तरह से सजा। अब जैसे कि अपोजिशन का एमएलए है, अपोजिशन का एमएलए हो के काम करने में कितना इजी है क्योंकि सभी सामने आ रहा है, सभी सामने आ रहा है बोल के। अपोजिशन भी आ पार्ट ऑफ द प्रोसेस और ये हाँ तो उसमें मुझे मालूम है ऑपोजिशन है तो क्या है, ऑपोजिशन का काम है सरकार को आईना दिखाना, वो काम करते हैं। पर जो सहूलियत तो नहीं मिल पा रहा होगा, सहूलियत कुछ नहीं, कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता, कोई मिलता है कोई कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमारा लड़ाई है सरकार के खिलाफ और उसमें हम आई एम सेटिस्फाइड कि मैं मेरा जो काम दिया गया है एक ऑपोजिशन के भूमिका के जो निभाना है वो मैं निभा रहा हूँ। सरकार के खिलाफ हर वक्त आपने देखा होगा उत्तर बंगाल और पश्चिम बंगाल में जो सर आता है उसमें मेरा भी नाम है और मैं वो काम करता हूँ। और हमारे क्षेत्र की जो मैं आई एम वेरी मच लकी कि मेरा साथ राजू बिस्ता के बहुत अच्छे रिलेशन है और मैं और उन्होंने ये आप देखा है ये जो रोड बन रहा है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग किया है। एयरपोर्ट बन रहा है नया, एनजीपी स्टेशन नया बन रहा है, आपका नया रिंग रोड आ रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन ब्रिज का दूसरा जो अल्टरनेटिव ब्रिज आ रहा है, तो ये सब तो काम हम लोग कर रहे हैं सेंट्रल से। और सेंट्रल से भी काम ना करे, स्टेट से भी काम ना करे, एज अ ऑपोजिशन एमएलए मैं इस सरकार के हर वक्त असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर हम जो बात बोलते हैं सरकार उसका उत्तर देने में आज तक नाकामयाब। अभी सिलगुड़ी में जैसे कि अगर बुनियादी मुद्दा देखे जिसमें अब 26 आ रहा है तो किस किस मुद्दे में मैं बोलूं किस किस ऐसे जो है जहाँ पे जिसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। देखो एक तो मैंने बोला था कि मेरा जो एमएलए फंड में 3-3.5 करोड़ आता है आप ले लो, लेके एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करो। हाँ लेकिन ये लोग लेता नहीं है क्योंकि शंकर का नाम आ जाएगा, डरता है। तो ये एक पार्किंग के विषय। हमारा पानी का समस्या है, फुलबारी का एक ही है उसमें 22 मिलियन लीटर पानी का अभी शॉर्टफॉल है हमारे सिलीगुड़ी में, तो उसके लिए पानी का एक समस्या है हमारा। और एक है महानंदा नदी, वो भी बहुत गंदा हो चुका है उसका। हाँ तो ये तीन चार, ट्रैफिक, पानी और स्वेरेज सिस्टम और महानंदा नदी, ये तीन चार मेरा फोकस है। आज नहीं तो कल हो तो हम करेगा ही, ये तो मेरा वादा नहीं है, ये काम करके हम दिखाएगा। हमें भी अच्छा लगता है आप जब भी ऐसे आते हैं, हमें देखे छोटे छोटे आप इश्यू में भी आप रास्ते में आ जाते हैं क्योंकि आप मुद्दे उठा रहे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आप ऐसे बरकरार रहे और ऐसे एनर्जेटिक रहे और स्वस्थ रखे। थैंक यू।